नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय के समन पर दिल्ली आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी कल बुधवार को पेश नहीं हुए, जिसके बाद आधी रात को बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी आपके कई नेताओं ने एकाएक दावा किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर सकती है। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अगर अब किसी की बारी है तो वो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए कल बुधवार को तीसरी बार भी नहीं पहुंचे। इसके बाद देर रात को आम आदमी पार्टी आपके कई नेताओं ने आशंका जताई है कि पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर गुरुवार की सुबह छापा मारा जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईडी दिल्ली आबकारी नीति मामले में पेश होने से इनकार करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जवाब की जांच कर रही है। उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए चौथा समन जारी हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि स्पष्ट है कि वे बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब तक सभी उन्हें भेजे गए समन अवैध है। विश्वसनीय स्रोतों से हमें पता चला है कि छापेमारी की जाएगी और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी इस कार्यवाही को लेकर इसलिए भी आशंकित है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार तीन बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जांच एजेंसी के पास अरेस्ट करने के लिए पुख्ता आधार हो। बता दें, सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में सीबीआई द्वारा मामले के संबंध में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया था। वहीं संजय सिंह को जांच एजेंसी ने उनके घर पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और नायर को नवंबर 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की पार्टी के सहयोगी नेता पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संचार प्रभारी विजय नायर को पहले ही सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोसाइटी के मेन गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले वाहन पर नजर रखी जा रही है और पूछताछ के बाद ही किसी को प्रवेश दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, अब की बार किसका नंबर है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।